सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट एरिया दिखाने वाला हूँ जहाँ पर रॉड के फादर के टाइम की वो बकेट रखी हुई है, यानी वो पिंक वाली बकेट जिसको लेके काफी सारी मिस्ट्रीज हैं, काफी सारे सवाल हैं हम लोगों के कि आखिर वो बकेट का क्या सीन है, क्या रीजन है, क्या है उसका काम। तो वही सब चीजें, एंड अभी हमको क्या करना है कि आपने देखा कि मैटी यहाँ पे चढ़ी है, उससे बाद मैंने यहाँ पे रख दिया एक ट्रैप। अभी मैटी जैसे नीचे आएगी तो हम उस रूम में एंटर करने चाहिए। थोड़ी सी कभी कभार गड़बड़ हो जाती है गाइस, ग्लिच है, ग्लिच हर बार काम नहीं करता, ठीक है, बट हाँ ये ग्लिच 100% काम करता है। अभी करेगा, देखना अभी करेगा ये ग्लिच काम। हम लोग आ चुके हैं फिर से मैटी के चढ़ने का इंतजार करते हैं। मैटी मोटी चढ़ जा। ओके, मैटी चढ़ गई है यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे खड़े हो जाएंगे केक के जस्ट ऊपर, एंड जैसे ही मैटी आएगी हम लोग जाएंगे नीचे नीचे नीचे। ओके गाइस, बट यहाँ पे गड़बड़ी हो चुकी है कि मैंने गलती से ना थोड़ा सा इधर रॉन्ग डायरेक्शन में आ गया हूँ। ओके बट यार देखो, आए तो हैं हम, एंड एक्चुअली आप लोगों ने ये चीज ध्यान दी गाइस, यहाँ पे हम लोग अब ये केक बॉम्ब लगा सकते हैं। हेलो गाइस, केक बॉम्ब हम लगा सकते हैं इस वाले एरिया में। नाइस, देखो अभी मैं केक बॉम्ब लेके आ गया हूँ यहाँ पे। कितना अजीब सीन है ना ये, देखो केक बॉम्ब यहाँ पे आ गए। केप क्या कर रहा हूँ मैं यार। चलो चलते हैं रॉड के पास। रॉड चचा, हम लोग आ रहे हैं। अब वो सोचेगा कि इसके पास ये केक बॉम्ब कहाँ से आए, जो कि चार्ली के पास थे। चार्ली वाले केक बॉम्ब हमारे पास है। बट गाइस एक सेकेंड, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। ये जो बाहर है ना, एक डोर ऐड हुआ है, उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है। बाकी आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग भी बताना। ओए रॉड का भाई, रॉड का क्या हाल हो गया गाइस, देखो। ओके इसकी वैन भाई कब ठीक होगी यार। क्या मेरे को भी कुछ दिखा कि आप लोगों को दिखा? रॉड की वैन के अंदर कुछ भी नहीं है। रॉड की वैन कैसी खाली पड़ी है। ओके ठीक है गाइस, तो अभी दोबारा करते हैं, कोई नहीं। बट हाँ, थोड़ा सा गलत जगह पे हम लोग कूद गए थे, इस बार हम लोग सही जगह पे कूदेंगे। ऑल राइट गाइस, सो अभी हम लोग फिर से ट्राई करेंगे यही वाला हैक, ठीक है। चढ़ जाओ मैटी, वेरी गुड। केक रखते हैं यहाँ पे, एंड केक के ऊपर चढ़ के यूं करके बैठ जाते हैं, एंड अभी होप करते हैं कि हमारा काम बन जाए। यहाँ पे बन जाए, बन गया काम गाइस, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं रॉड की फैक्ट्री के उसे, ये डोर देखो, ये डोर यहाँ पे खुलेगा आगे चल के, एंड ये वाला डोर भी खुलेगा यार। वेयर हाउस भाई, एक सेकंड, रॉड के फादर का मास्क। ओहो हो नाइस, यहाँ पे चेयर देख सकते हो, एंड ये एरिया। ओके ये भी खुल सकते हैं भाई, नाइस नाइस नाइस, वेरी वेरी नाइस। एंड दिस इज द बकेट, दी मेगा बकेट, जिसका हम सबको सिर्फ फोटो देखने को मिला था। आई नो आप में से काफी लोग ऑलरेडी यहाँ के देख चुके होंगे, एंड ये क्या है साइन। ओके गाइस, सो ये जो है ना, ये बकेट, इसमें लिखा हुआ है साइन में कि ये जो बकेट है ये जोसेफ सॉलोमन की है, जिसमें जोसेफ सॉलोमन ने सबसे बड़ी आइसक्रीम बनाई थी, एंड जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी आई थी, एंड उसी के बाद से ये बकेट यहाँ पे रखी हुई है, एंड ये उसकी लास्ट अचीवमेंट थी जोसेफ सॉलोमन की। एंड आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे अभी भी ये आइसक्रीम पड़ी हुई है इसके अंदर, एंड आप देख सकते हो ये साइड में गंदगी भी हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा। ओ नो भाई साहब, ओहो ओके, बट एक सेकेंड, एक और रूम है गाइस यहाँ पे सीक्रेट। क्या हम इसके अंदर जा सकते हैं? प्लीज़ टेल मी हम इसके अंदर जा सकते हैं, प्लीज़ चल रहे अंदर। नहीं जा सकते, ओके इसके अंदर नहीं जा पा रहे फिलहाल तो हम, बट हाँ यार काफ़ी मज़ा आया इधर आके, एंड ये हमारे को एरिया एक्सप्लोर करने को मिला। होप कि ये आइसक्रीम 7 में खुल जाए, वैसे चांस बहुत ज़्यादा है खुल जाएगा ये आइसक्रीम 7 में। बाकी गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये मस्त दिख रहा है पुल कुल। और अभी हम लोग यहाँ से वीडियो को करते हैं एंड, क्योंकि आज का मेन टॉपिक यही था इस बकेट के अंदर कैसे आने का, इस रूम में कैसे आने का, एंड तो टॉपिक हो गया पूरा। एंड एक सेकंड, ये क्या है, व्हाट द हेल, यहाँ पे कोई, ओए गाइस, अच्छा नहीं ये एरिया क्या मैं देख चुका हूँ या फिर मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? नहीं नहीं यहाँ से शायद हमने नहीं देखा,
एक सेकेंड, अरे यार एक सेकेंड, एक काम करते हैं, अभी आपको बताइए कि किसी ना किसी कोने में जाके हमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। सो मैं सोच रहा हूँ कि इस कोने में चलते हैं एंड देखते हैं क्या कुछ मिलेगा। ओके, यहाँ पे केक बॉम्ब, यार केक बॉम्ब का ना एक दिक्कत है, ये लोग अच्छे से सेट नहीं होते। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।